ऐतिहासिक चौगान में चल रही अंतर महाविद्यालय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को क्वार्टर फाइनल के विभिन्न मुकाबले खेले गए। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय ऊना ने राजकीय महाविद्यालय सोलन को 3-1 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय शाहपुर ने राजकीय महाविद्यालय कुल्लू को 3-2 से शिकस्त दी। इन सभी मुकाबलों को देखने के लिए चौगान में दर्शकों की काफी भीड़ रही। दर्शक अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। राजकीय महाविद्यालय चंबा के प्राचार्य डॉक्टर विद्यासागर ने मैच से पूर्व सभी खिलाड़ियों से परिचय की रस्म अदा की। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस प्रतियोगिता का समापन सोमवार को होगा। समापन समारोह में सदर विधायक नीरज नैयर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस मौके पर विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों सहित मेजबान महाविद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। हिमाचल विश्वविद्यालय के जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं चंबा में, गवर्नमेंट कॉलेज चंबा जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर की टीम्स के बीच में अभी मैच चल रहा है। इससे पहले सुबह के मैचेस में गवर्नमेंट कॉलेज सोलन और ऊना का मैच हुआ है और उसमें सोलन टीम हार गई है, ऊना कॉलेज जीत गया है। तो कल की तारीख में हमारे सेमीफाइनल्स होंगे, आज क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं, कल ही फाइनल मैच भी खेला जाएगा और क्लोजिंग सेरेमनी भी कल ही रखी है जिसमें हमारे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में और जो टीमों को जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और काफ़ी गणमान्य अतिथि लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये चंबा के ऐतिहासिक चौहान में 47 साल के बाद ये वाला इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और अभी तक का जो है वो काफ़ी कामयाब टूर्नामेंट ये माना जा रहा है। सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। चंबा के जो पुराने पुराने प्लेयर हैं जिन्होंने 1976 में पार्टिसिपेट किया था इस गेम में और जो कैप्टन भी रहे हैं इंटर यूनिवर्सिटी, वो लोग मेरे से मिलने आए थे पिछले कल, मुबारकबाद देने आए थे और कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छा आपने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है इस गेम के लिए और हमारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। सर, आगे भी ऐसे टूर्नामेंट योजित करवाएंगे आप? जी हाँ, हर साल ही कैलेंडर बनता है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ एच यूनिवर्सिटी उसको जारी करती है, मीटिंग में ये डिसाइड होता है और डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो अपने अपना दावा पेश करते हैं कि हम ये करवाएंगे इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर यूनानिमसली डिसाइड किया जाता है कि कौन सी गेम कहाँ पर होगी। तो जब तक हम भी चाहेंगे हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां होती रहें ताकि हमारे चंबा में एक माहौल बना रहे खेल कूद का और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने का, तो ये गतिविधियां तो लगातार जारी रहेंगी। हिमाचल प्रस्तुत, चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।